बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड इथोलॉजी। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, व्यवहार की ही अवधारणा है। व्यवहार के बारे में हमने बात करी थी कि किसी भी जंतु द्वारा जो उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम व्यवहार कहते हैं। तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ अवधारणाएँ होती हैं जिनके द्वारा हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है इसकी जो है वो बात करेंगे। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने की निम्न अवधारणाएं हैं। सबसे पहला है अभिप्रेरणा की अवधारणा। किसी भी जंतु द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उसके लिए एक निश्चित प्रेरणा होती है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से अंशन व्यवहार है, प्रजनन व्यवहार है, फाइट व्यवहार है, फील व्यवहार है, ऐसे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जब स्वप्रेरणा का स्तर उच्चतम होता है तो व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि किसी जंतु को भूख लगती है, जैसे ही भूख लगती है हाइपोथैलेमस द्वारा भोजन ढूंढने के लिए संदेश दिए जाते हैं। प्रेरणा मिलती है कि भोजन की तलाश करनी है और जंतु भोजन की तलाश करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही उसे भोजन मिल जाता है और भोजन मिलते ही उसे ग्रहण करता है तो जो प्रेरणा है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है और उस स्थिति में जंतु अपने व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करता है। सिद्धांत दूसरा है नियत क्रिया प्रतिमान की अवधारणा। इस अवधारणा में वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कुछ जंतुओं के व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। जन्मजात पाए जाने का मतलब है वो अपने व्यवहार का एक निश्चित तरीके से, एक फिक्स तरीके से ही जो है वो करते हैं, जिसके अंदर तीन अवधारणाओं की हम जो है वो बात करेंगे। रूढ़िवादिता या स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता, जाति वृत्ति है परिवर्धन हेतु प्रतिरोध, मोचक हेतु सूचक उद्दीपन की आवश्यकता। जैसे हम जो है वो जानते हैं रूढ़िवादिता या स्थिरवादिता में, जैसे ये चार डायग्राम आपको जो है वो दिख रहे हैं, हिमालय मोलल मोर और बर्फी मोर, इनका जो नाचने का तरीका है वो हमेशा एक जैसा होता है, वो फिक्स है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये कोई सा भी जंतु हो सब इस एक ही तरह से जो है वो नाचते हैं। ये बया जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, ये बया पक्षी है जो अपना घोंसला बनाते हुए है, और सी डायग्राम दिया हुआ है ये मकड़ी का जाल बने हुए हैं। ये हमेशा घोंसला बनाने का सबका तरीका एक जैसी है। बया अपना घोंसला जो है वो बना रही है, दर्जिन का घोंसला, दर्जिन इसलिए गया है कि ये पत्तों की सहायता से एक दर्जी की तरह सुई की सहायता से पेड़ों की पत्तियों को सिल के और घोंसले का निर्माण करती है। ये हमेशा एक जैसा होता है, ये फिक्स है, चाहे कोई भी पक्षी हो, बया पक्षी कोई भी हो, वो एक ही तरह का घोंसला बनाता है। इस सिद्धांत में तीन उप सिद्धांत हैं जिनकी हम का अध्ययन करते हैं, स्थिरता या रूढ़िवादिता या अपरिवर्तनशीलता। इस में ये कहा गया कि प्रत्येक जंतु के द्वारा अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया जा रहा है वह स्थिर है। कितनी भी बार उस व्यवहार का प्रदर्शन किया जाए हमेशा एक ही तरीके से किया जाता है। जैसे स्क्रीन पे आपको राजहंस पक्षी दिखाई दे रहा है द्वारा अंडे के लुढ़काना, ए बी सी डी चार जो है वो डायग्राम दिए हुए हैं। प्रयोग में क्या किया गया कि राजहंस का जो पक्षी है उसके अंडे को उससे दूर कर दिया जाता है, उसके बाद में राजहंस द्वारा सबसे पहले उस अंडे को छू के महसूस किया जाता है, फिर अंडे के नीचे अपनी चोंच लगाई जाती है और गर्दन को तिरछा करके सामने से जो है वो घुमा के और अंडे को वापस अपने घोंसले में ले लिया जाता है। कितनी भी बार इस अंडे को घोंसले से दूर करें हमेशा राजहंस द्वारा
एक ही तरीके से, मतलब फिक्स तरीके से, एक रूढ़िवादी तरीके से ही उस अंडे को वापस अपने घोंसले में लाया जाता है। दूसरा इसमें है जाति वृत्तीय परिवर्धन का विरोध। जाति वृत्तीय परिवर्धन का विरोध से मतलब है एक जाति से दूसरी जाति में जब जंतुओं का विकास होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके जो लक्षण हैं वो हमेशा स्थिर बने हुए रहते हैं। इनका जो व्यवहार करने का तरीका है वो स्थिर बना हुआ होता है। मोचक हेतु सूचक उद्दीपन की आवश्यकता तीसरी जो है वो है, इसमें यह है कि किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष उद्दीपन का होना जरूरी है। उस विशेष उद्दीपन या वह सूचक उद्दीपन जैसे ही मिलता है जंतु द्वारा अपना व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। सिद्धांत नंबर तीन, कुंजी या सूचक उद्दीपन या मोचक अभिक्रिया की अवधारणा। इस सिद्धांत के अनुसार जंतुओं द्वारा किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष उद्दीपन का होना आवश्यक है। एक विशेष उद्दीपन के द्वारा ही एक विशेष प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है, उसे की उद्दीपन या की सूचक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे आपको डायग्राम जो है वो दिखाई दे रहा है। ये ए पे जो दिया हुआ है लाल निशान, वे झटकने के प्रति हेरिंगल व गाने वाली चिड़िया के बच्चे की प्रतिक्रिया। सबसे पहला जो डायग्राम दिया हुआ है ऊपर वो है हेरिंगल। हेरिंगल नामक पक्षी की चोंच के ऊपर एक निशान पाया जाता है और यहाँ जैसे ही मादा या नर पक्षी बाहर से बच्चों के लिए खाना एकत्रित करके लाते हैं और जब तक ये पक्षी अपने बच्चे को खाना नहीं देता है, जब तक उस बच्चे के द्वारा उस चिड़ी उस पक्षी की जो चोंच पे निशान है उस निशान के ऊपर चोंच नहीं लगाई जाती, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेरिंगल पक्षी द्वारा अपने बच्चों को तभी खाना खिलाया जाता है जब उनके बच्चे चोंच के ऊपर जो बने हुए निशान हैं उस निशान के ऊपर अपनी चोंच टच करते हैं और फिर खाना दे देता है। यदि बच्चा उस चोंच के ऊपर अपनी चोंच जो है वो नहीं लगाता है तो ये मादा या नर हेरिंगल पक्षी उसको खाना नहीं देता है। नीचे एक उदाहरण जो दिया हुआ है, बी पे जो डायग्राम बना हुआ है वो गवैया चिड़िया का जो है वो डायग्राम है और यहाँ जैसे ही चिड़िया आती है, गवैया चिड़िया जैसे ही घोंसले पर आके बैठती है, जिस दिशा में वह आके बैठती है उस दिशा में सारे पक्षी जो है वो चींची चींची की आवाज़ करते हैं और वो उनको घोंसला उनको भोजन दे देती है। तीसरे तरह का जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो मुर्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि मुर्गी के बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, खेले हुए हैं, कुछ बच्चों के ऊपर एक कांच का जो है वो पात्र रख दिया जाता है और कांच का पात्र रखने से बच्चे की जो आवाज़ है वो बाहर निकल के नहीं आती है। मुर्गी वहाँ उस बच्चे को देख लेती है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देने की वजह से वह उसकी सुरक्षा या रक्षा नहीं करती है। दूसरी तरफ यदि मुर्गी का बच्चा दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी मुर्गी के द्वारा बच्चे की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है तो वह उसको बचाने का प्रयास करती है। और एग्जांपल, ऑयस्टर एक पक्षी है जो सामान्यतः 3 से 5 अंडे देता है। वह अपने अंडों को सहने के लिए या अंडों को जो ऊष्मायन करते हैं उसके लिए सबसे बड़े आकार के अंडों को सबसे ज़्यादा केयर करते हैं और सबसे ज़्यादा ऊष्मायन देते हैं। प्रयोग में क्या किया गया कि उसके जो अंडे हैं वो विभिन्न आकार के अंडे हैं, उसमें से आर्टिफिशियल बड़े आकार का अंडा घोंसले में रख दिया जाता है। तो वहाँ देखने में आया कि उस ऑस्चर पक्षी के द्वारा जो बड़े आकार का कृत्रिम अंडा था उसकी देखभाल सबसे ज़्यादा की गई, जबकि जो और छोटे आकार के अंडे थे उनकी जो देखभाल है वो उनके द्वारा कम की गई। बाकी सिद्धांत जो है हम और देखते हैं।
अगला सिद्धांत है अनुभव या अधिगम की अवधारणा। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि कोई भी जंतु द्वारा अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। उस व्यवहार के प्रदर्शन में यदि उसको अनुभव अच्छे मिलते हैं तो वह उस व्यवहार को सीख जाता है, और यदि उसको अनुभव अच्छे नहीं मिलते हैं तो वह उस व्यवहार को नहीं सीखता है। इस तरह से जंतु अपने जीवन में नए व्यवहार का प्रदर्शन करता है, और नए व्यवहार का प्रदर्शन करने से उसको यदि परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो वह अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, और इसी तरह से धीरे धीरे अपने व्यवहार का अध्ययन कर लेता है। धन्यवाद। पापा हो गया आपका।